हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल एंड यू वाचिंग दी स्टनिंग मॉम्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें अपने फ्रिज को किस तरीके से प्रॉपरली रखना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो। वेजिटेबल्स के लिए मैं ऐसे क्या टिप्स यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे वेजिटेबल बहुत जल्दी गलते नहीं हैं या ख़राब नहीं होते, और साथ ही साथ कुछ ऐसे हैक्स कि हम किस तरीके से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लीनिंग एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू दैट हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज, वॉट हैक्स आई हैव यूज, वॉट आर द टिप्स बाय विच यू कैन मेक योर फ्रिज वेरी ऑर्गेनाइज एंड स्पेशियस। सो फॉर दैट फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सारे सामान को यहाँ से हटा दूँगी, फ्रिज को पूरा खाली कर दूँगी, और उसके बाद मैं इस फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ विनेगर एंड सोडा वाटर। मैंने पूरा फ्रिज अभी खाली कर दिया है और साइड बाय साइड मैं इसे क्लीन भी करती जा रही हूँ। फ्रिज को अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया था मैंने, और इसके बाद बारी आती है सेल्फ लाइनर की। सेल्फ लाइनर के लिए यहाँ पर मैंने एक हैक यूज़ किया है। सेल्फ लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस तरीके के पेपर को। ये कार्डबोर्ड पेपर्स होते हैं और ये स्पेशली किसी भी बड़े या इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ उसके पैकिंग में आपको मिलता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके में जो उभार है, इसकी वजह से कोई भी चीज़ मेरी स्लिप नहीं होगी, और जो भी मॉइस्चर होगा अगर फ्रिज में किसी तरीके का भी पानी अगर आता है तो ये आराम से उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रिज के हर सेल्फ के साइज़ के हिसाब से मैंने इसे कट कर लिया और अब इसे मैं पूरे फ्रिज में बिछाने वाली हूँ। अब इसे मैंने हर ड्रॉर में और हर प्लेटफॉर्म पे फ्रिज के अच्छी तरीके से लगा दिया। नाउ आई विल स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रिज। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं आपको एक टिप यहाँ पे दूंगी कि आप जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उसे हमेशा अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसे पूरा ड्राई होने दीजिए। मैंने यहाँ पे सारे अपने जितने भी वेजिटेबल और फ्रूट्स थे उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था कि पूरी अच्छी तरीके से अब ड्राई हो चुके हैं। अब इसे मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ फ्रिज में। इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर करूँगी कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए किस तरीके से हम इसे फ्रिज में रखना चाहिए। तो अगर आप बनाना फ्रिज में रखना चाहते हैं और उसकी लाइफ ताकि काफ़ी दिन तक रहे, तो इस तरीके से बनाना को वॉश करके उसके टिप में एल्युमिनियम फॉइल लगा दीजिए। इसी तरीके से आप जो गाजर है उसमें मॉइस्चर ना आए तो उसे वॉश करने के बाद इस तरीके से टिश्यू पेपर एक नीचे लगा दीजिए और उसके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर लगा दीजिए। इस तरीके से टिश्यू पेपर लगाने से मॉइस्चर नहीं रहेगा और वेजिटेबल्स काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगे और वो काले नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई भी ग्रीन लीव्स रखते हैं तो उसे भी इसी तरीके से रखिएगा ताकि वो ख़राब ना हो। सो नाउ आई विल स्टार्ट दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने पूरे सेल्फ को अच्छे से खाली कर दिया और ऊपर के दो सेल्फ में लाइनर नहीं लगाया था बिकॉज़ वो वहाँ पर इतना ज़्यादा स्लिपरी नहीं होते और इजी रहता है उसे क्लीन करने के लिए। तो इस तरीके से जो भी मेरे डेली यूज़ वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उसे मैं सामने रखना प्रेफर करती हूँ, और जो मुझे एक्स्ट्रा मेरे पास रखे होते हैं उसे मैं नीचे वाले सबसे लास्ट ड्रॉर में रखती हूँ। सो आप ये थंब रूल बना लीजिए कि जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में लगने वाली चीज़ें हैं आप उसे हमेशा सामने रखें ताकि वो पहले ख़त्म हो जाए, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो आप उसे बाहर की तरफ रखिए। मैंने यहाँ पे कुछ स्प्राउट्स बना के हमेशा मैं रखती हूँ जो काफ़ी हेल्दी भी रहता है और हर समय मैं उसे सैलड में यूज़ करती हूँ। इसी तरीके से मैंने ये ओट्स मसाला बना के रखा था ड्राई, इसकी लाइफ ज़्यादा दिन तक रहे इस वजह से मैंने इसे बॉटल में बना के रखा, और आप उसका वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे चिलीज़ को रखा हुआ है, सेम वॉश करने के बाद इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था लाइनर के साथ। फ्रूट्स को मैं इस तरीके से सामने रखती हूँ ताकि फ्रिज ओपन हो तो सबसे पहले फ्रूट्स मिले और हम उसे कंज्यूम कर सकें। सारे फ्रूट्स मेरे सामने ही हमेशा रहते हैं। वेजिटेबल में टमाटोज़ हमें रेगुलर यूज़ में होता है, इस वजह से उसे मैंने सामने ही रखा हुआ है। सैलड मुझे रेगुलर यूज़ में लगता है तो वो भी मैंने सामने रखा हुआ है। नीचे वाले ड्रॉर में मैंने एक्स्ट्रा बनाना रख दिया है और कुछ बनाना को मैंने बाहर निकाल के रखा है उसे कंज्यूम करने के लिए। एक्स्ट्रा जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसे मैं अंदर रख रही हूँ।
इसके बाद हमें अपने फ्रिज से जो इतना भी बैड स्मेल होता है उसे हटाने के लिए, जो भी हम लेमन यूज़ करते हैं उसके कट्स को फेंकिए मत, उसके छिलके को फेंकिए मत, उसे आप इस तरीके से प्लास्टिक के बॉक्स में रखिए और फ्रिज में रख दीजिए, इससे पूरा बैड स्मेल चला जाएगा। इसमें ग्रीन लीव्स रखा हुआ था और मैंने फिर कुछ जिंजर रखा हुआ है जो मुझे डेली यूज़ में लगते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जिंजर मैंने नीचे रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और आपको फ्रिज का स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है, तो चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ हैक्स बताती हूँ जिससे कि आप अपने फ्रिज का के स्पेस को और अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड हैक है कि आप इस तरीके जो क्लिप बाइंडर आते हैं, जो बाइंडर क्लिप्स आते हैं सॉरी, आप वो यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से बॉटल को आप उसमें अरेंज कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस स्टोर वाला बचेगा। थर्ड हैक इसमें है कि आप उसी सेम बाइंडर क्लिप को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो ओपन पैकेट्स हमारे होते हैं वेजिटेबल्स या फ्रोजन फूड या किसी भी चीज़ के, तो आप उसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं और नीचे का फिर आपको सारा स्पेस मिलेगा और उसमें भी आप फिर कुछ रख सकते हैं। नाउ हियर इज़ माई फोर्थ हैक। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप एग को पूरे एक ही बास्केट में रखिए ताकि आपको स्पेस पूरा मिले और वो जो पूरा ट्रे आपका वो काफ़ी सारा स्पेस आपका बच जाएगा। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी फिफ्थ हैक। फिफ्थ हैक में आप इस तरीके का जो प्लास्टिक मैग्नेट आता है कंटेनर के लिए वो यूज़ कर सकते हैं और आप उसे बड़े ईजिली यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगा और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें उस कंटेनर में आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। नाउ सिक्स्थ हैक इज़, इस तरीके का जो ट्रे मिलता है हमें एग्स का, आप उसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, वो पूरा मॉइस्चर भी आपका एब्जॉर्व करेगा और उसमें बहुत सारे बॉटल्स आ जाएंगे, तो उसे फेंक के ना और उसे इस तरीके से आप यूज़ करिए। अब बढ़ते हैं सेवन्थ हैक की तरफ। अब जो मैग्नेट आता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बॉटल को हैंग कर सके, वो मैग्नेट आप ले लीजिए और इस तरीके से आप जूस के बॉटल या जो भी बॉटल्स हैं आप उसे बड़े ईजली से आप फ्रिज में ऊपर हैंग कर दीजिए और काफ़ी सारा स्पेस जो नीचे का बचेगा उसे आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। दिस यू कैन यूज़ योर ऑफिस ऑर्गेनाइज़र, आप ऑफिस ऑर्गेनाइज़र को भी फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं और उससे काफ़ी स्पेस बन जाएगा। एंड फाइनली फ्रेंड, एट लास्ट इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट समथिंग, तो आप थोड़ा ऑर्गेनाइजर्स खरीद सकते हैं, जो फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मिल रहे हैं, आप उसे आराम से ही लेकर आप अपने फ्रिज को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आती है बारी फ्रिज की डोर की, तो फ्रिज की डोर में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, तो आप यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें मत रखिए जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी रखिए जिसकी लास्टिंग ज़्यादा दिन तक है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब फ्रीजर की बारी आई। अब इसे भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है पहले तो, और क्लीनिंग के बाद अगेन यहाँ पे भी मैंने वही लाइनर यूज़ किया है जो मैंने पूरे फ्रिज में यूज़ किया था, पेपर लाइनर को उसे यूज़ किया मैंने यहाँ पे, उसको फिर अच्छे से बिछा दिया। मेरा फ्रीजर भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे मैक्सिमम मेरे फ्रोजन फूड ही रखे रहते हैं। अब ये जो एल्युमिनियम फॉयल का ट्रे है इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ उन पैकेट्स के लिए जो मैंने पैकेट्स ओपन कर दिया है, ताकि ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहे। इस तरीके से मैंने इसे यूज़ कर लिया और उसके साइड में मैं वो सारे पैकेट्स रखने वाली हूँ जो मेरे ओपन नहीं हुए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने रखा है आइस ट्रे और मैंने इसके साथ ही रखा है आइस पैक जो हमेशा यूज़ होता है, और इसके साथ ही साथ मैंने फ्रीज़र का डोर भी यूज़ किया है। यहाँ पे मेरे पास जितने भी गरम मसाले थे उन सबको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। अब फ्रिज को पूरी तरीके से क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बाद, ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा सा ये वाइट पार्ट था और इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने जो स्टिकर्स के बटरफ्लाई आते हैं वो पेस्ट कर दिया ताकि फ्रिज का थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए और थोड़ा सा ये कलरफुल लगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मेरा पूरा फ्रिज ऑर्गेनाइज और डेकोरेट भी हो गया है। सो फाइनली माई फ्रिज इज़ ऑल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज एंड नाउ आई विल शो यू द फाइनल लुक ऑफ माई फ्रिज। एंड फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो और आपसे शेयर किया है रिगार्डिंग किचन ऑर्गेनाइजेशन, और उस किचन ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल पैसे खर्च नहीं हुए थे, फुल ऑन जुगाड़ था वो, और डेकोरेशन जुगाड़ क्लीनिंग सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। डेफिनेटली उस वीडियो को भी आप जाके ज़रूर से चेक करिएगा। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये जुगाड़ वाले टिप्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो यू नो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट हिट द बेल आइकन, बिकॉज मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स दे आर सेइंग दैट दे आर नॉट
नॉट गेटिंग द वीडियोज बिकॉज फ्रेंड्स यू आर नॉट हिटिंग द बेल आइकन सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंस सो बाय फ्रेंड्स टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो